हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम SSCL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 20 MCQ देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले माइनिंग सरदार एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो डेली ऐसे ही MCQ को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमारा रेगुलेशन से रिलेटेड है। कॉपी ऑफ द चार्ज रिपोर्ट ऑफ द मैनेजर शैल बी सेंट टू द, जो मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट होता है उसका कॉपी हम लोग किसको सौंपते हैं, किसको हैंड ओवर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी CIM और RIM दोनों को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RIM को। चार्ज रिपोर्ट जो मैनेजर का होता है वो हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को हैंड ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। ओनर ऑफ अ माइन शैल सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर एक माइंस का ओनर, उस माइंस में जितने भी पर्सन ऑथोराइज्ड है मैनेजमेंट कंट्रोल और सुपरविजन काम करने के लिए, उनको ऑथोराइजेशन दिया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, उसका एक डिटेल्ड लिस्ट जिसमें उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन कि कौन से पोस्ट पे है, वो ओवरमैन है, सरदार है, असिस्टेंट मैनेजर है, शॉट फायरर है, ब्लास्टिंग ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, किस पद पे वो काम कर रहे हैं और उनका नाम, इसका एक लिस्ट बना के ओनर जो है वो किसको सबमिट करता है। ऑप्शन नंबर ए RIM, ऑप्शन नंबर बी CIM, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी RIM CIM दोनों को, या फिर ऑप्शन नंबर डी DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ RIM और CIM दोनों को ओनर जो है एक डिटेल लिस्ट सौंपता है जिसमें उस माइंस में काम कर रहे हर एक ऑथराइज्ड पर्सन जो मैनेजमेंट कंट्रोल और सुपरविजन के लिए अपॉइंट किया गया है उसका नाम और यहां पे उसका डेजिग्नेशन किस पद पे है वो, उसका डिटेल लिस्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है एनी चेंज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू मैंने इसी तरह दे दिया, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर टू नहीं आएगा, यानी इसमें अगर ये जो नाम और डेजिग्नेशन हमने एज अ ओनर भेजा है RIM और CIM को, उसमें अगर कोई चेंज होता है, मान के चलिए जब हमने CIM को भेजा उस टाइम पे एक अर्जुन कुमार नाम के इंसान है जो क्या है ओवरमैन है, और अभी वो ओवरमैन से उनका प्रमोशन हो गया है, वो क्या हो गया है सीनियर ओवरमैन हो गया, तो इसका भी जो है विवरण हम लोग को CIM और RIM को भेजना होता है। तो ये चेंज होने के कितने दिन के अंदर हम लोग को भेज देना है, यह है क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4th week, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन के अंदर, जब भी वो चेंज हुआ, उनका प्रमोशन हुआ या फिर उस लिस्ट में कुछ भी चेंज हुआ, उसके 7 दिन के अंदर हम लोग को एक डिटेल लिस्ट जो है वो चेंज का CIM और RIM को दोनों को भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। When a mine has been opened, जब भी एक नया माइंस कोई ओपन होता है या फिर रीओपन होता है, डैश शैल फॉरथविथ कम्युनिकेट एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग, किससे जो मतलब कौन जो है वो एक्चुअल डेट कम्युनिकेट करता है तुरंत उसी टाइम, ओनर या फिर ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर सिर्फ मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी RIM रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर करता है CIM RIM और DM से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है डैश शैल रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग इन बाउंड पेज बुक अंडर रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 10 आप याद कीजिए क्या है, BME बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का जो भी मीटिंग होता है उसका कौन सा मीटिंग कितना देर चला, इसका रिकॉर्ड जो है वो कौन रखता है, बाउंड पेज बुक में कौन मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर बी CIM, ऑप्शन नंबर सी एवरी मेंबर यानी हर मेंबर करके उसमें अपना साइन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सब रेगुलेशन से बेस्ट क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिल रहा होगा। इन केस आपको पूरा रेगुलेशन का प्लेलिस्ट देखना है तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, चैनल पे विजिट करके आप CMR के प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप अच्छे से MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ, वहां पे भी क्लिक करके आप सीधे CMR MCQ प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ बोर्ड अंडर रेगुलेशन 24 विद इन डैश डेज ऑफ ऑर्डर। रेगुलेशन 24 के अधीन, रेगुलेशन 24 के अंडर में जो अपील बोर्ड के खिलाफ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, वो ऑर्डर आने के कितने दिन के अंदर कर देना है।
ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। ठीक है, जब भी बोर्ड का कोई ऑर्डर आया उससे आप ना खुश है या आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड के अगेंस्ट में ऑर्डर आने के 30 दिन पहले जो है वो नोटिस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंस्पेक्टर इन रेगुलेशन 24, जो 24 में एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है इस पूरे प्रोसेस का जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, वो इंस्पेक्टर जो है अपना जो इंक्वायरी उनका जो खत्म हुआ उसमें जो कंक्लूजन निकला उसका रिपोर्ट बोर्ड को कितने दिन के अंदर दे देता है। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। जब भी इंस्पेक्टर का इंक्वायरी खत्म हो जाता है और वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कौन दोषी है कौन नहीं है गिल्टी कौन है इसका हो जाता है पूरा क्लियर, तब क्या होता है इंस्पेक्टर जो है वो 15 दिन के अंदर, जैसे आज फैसला हो गया तो आज से 15 दिन के अंदर एक जो है नोटिस भेज देता है बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश सॉल इन्फॉर्म मैनेजर अबाउट शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोजिव। अगर मैगजीन में एक्सप्लोजिव का शॉर्टेज हो गया तो कौन पर्सन जो है वो मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा कि अब एक्सप्लोजिव मंगाने का टाइम आ गया है, एक्सप्लोजिव का शॉर्टेज होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट फायरर, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट फायरर का हेल्पर, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी मैगजीन इंचार्ज। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मैगजीन इंचार्ज। जो भी उस मैगजीन का इंचार्ज होगा, उस एक्सप्लोजिव हाउस का जो इंचार्ज होगा वो मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा और तत्काल करेगा, फोर्थविथ करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन अ मशीन इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ डैश। अगर कोई एक मशीन है कितना ग्रेडियंट पे उसको जब हम लोग काम कराएंगे तो उसमें हम लोग प्रॉपरली चेक कर लेंगे कि एक कंट्रावेंस फिट है जो उस मशीन को पीछे आने से रोके, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में वो बैकवर्ड रनवे उस मशीन का ना हो जाए, इसका हम लोग खास ध्यान रखेंगे कितना ग्रेडियंट होने पे। ऑप्शन नंबर ए 1 in 5, ऑप्शन नंबर बी 1 in 10, ऑप्शन नंबर सी 1 in 6, ऑप्शन नंबर डी 1 in 8। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 in 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हु शुड इंश्योर दैट द प्लान एंड द सेक्शन ऑफ द माइन और पार्क इज एक्यूरेट अंडर रेगुलेशन नंबर 17। इस पैटर्न से मैं क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो WCL का पेपर आप लोगों ने देखा होगा उसमें मोस्टली क्वेश्चन आई थिंक मैंने काउंट किया था 64 या 65 क्वेश्चन CMR से था और बिल्कुल ऐसे ही था कि इस चीज का मतलब क्या है अंडर दिस रेगुलेशन दिस सब रेगुलेशन। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सके कि इन फ्यूचर पैटर्न यही चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को समझ में आ गया कि कौन ये इंश्योर करेगा कि प्लान और सेक्शन जो माइंस का बना है या फिर माइंस का पार्ट बना है वो एक्यूरेट है अंडर रेगुलेशन नंबर 70। ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सर्वेयर। अब देखिए ओनर एजेंट और मैनेजर और ओनर एजेंट एंड मैनेजर में मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूं जो अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं या तैयारी जस्ट स्टार्ट किए हैं। ओनर एजेंट और मैनेजर जब भी लिखा है तो बिल फटता है मैनेजर पे क्योंकि तीनों में सबसे जूनियर जो है वो मैनेजर होता है, और यदि कहीं लिखा है ओनर एजेंट एंड मैनेजर वहां पे जवाबदेही तीनों की हो जाती है, ओनर की भी, एजेंट की भी और मैनेजर की भी। ठीक है, तो यही दोनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और एंड मैनेजर। यहाँ पे तीनों की ये जिम्मेदारी होती है कि रेगुलेशन नंबर 17 के अधीन वो ये इंश्योर करें कि सारा प्लान जो बना है माइंस का प्लान है या माइंस का किसी एक पार्ट का प्लान है वो सही से एक्यूरेटली बना है या फिर नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा ये है इन बोथ द मींस ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। एक्सेस और इग्रेस आप लोग को पता होगा, एक्सेस इग्रेस मतलब होता है आने जाने का रास्ता माइन से बाहर निकलने का और सरफेस से माइन से जाने का रास्ता। वो जो भी रास्ता होगा उसमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा वो कैसा होगा, किस टाइप का कम्युनिकेशन वहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे, वायर टाइप होगा, वायरलेस होगा, या फिर जैसा CIM बोले वैसा होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और जो CIM साहब जैसा बोले वैसा भी किया जा सकता है, या फिर तीनों किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन केस ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट सिंकिंग के केस में जो हम लोग टेम्पररी लाइनिंग बनाते हैं वो जो होता है
कभी भी बॉटम ऑफ द शाफ्ट से कितना ऊपर तक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर आप सभी कोई आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोर देन 6 मीटर होगा, मोर देन 20 मीटर होगा, कि लेस देन 20 मीटर होगा, कि मोर देन 20 मीटर होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन केस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आपका कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, नो रोप विच हैज बीन डैश शॉल बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज। डायरेक्ट हॉलेज में कभी भी किस टाइप का रोप हम लोग यूज नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर ए स्प्लाइस टाइप, ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग टाइप, ऑप्शन नंबर सी स्विंगिंग टाइप, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, तीनों में से किसी टाइप का नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, स्प्लाइस टाइप। जो भी स्प्लाइस मतलब होता है दो रोप को जोड़ना, ठीक है, ये दो टूटा हुआ रोप है इसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, स्प्लाइस टाइप रोप हो गया। तो डायरेक्ट कॉलेज में हम लोग कभी भी स्प्लाइस टाइप का रोप को यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मॉलेस्ट रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू CMR 2017 में जितने भी रेगुलेशन है 260, उसमें से सबसे छोटा रेगुलेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 138, ऑप्शन नंबर सी 141, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 107, जिसमें रिक्लेमेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 95। रेगुलेशन 95 जो है ये हॉलेज में आएगा, इसमें इसका टाइटल है हॉलेज ब्रेक, इसमें बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है कि हॉलेज ब्रेक जो है वो सभी हॉलेज में इफेक्टिव वे में लगा होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, बस यही एक लाइन आधा लाइन लिखा हुआ है इस रेगुलेशन में, इसलिए सबसे छोटा रेगुलेशन CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू सरफेस थ्रू अ वॉकेबल एंट्रेंस व्हिच इज नॉट परमानेंटली क्लोज्ड शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। सारा वो रास्ता, एक अनयूज्ड रास्ता जो अभी फिलहाल अनयूज्ड है, काम उसमें चलता है लेकिन फिलहाल अनयूज्ड है, जो सरफेस से डायरेक्ट कहां जाता है, वॉकेबल एंट्रेंस से हम लोग को माइंस में लेके जाता है, जो परमानेंटली क्लोज नहीं है, उसका एग्जामिनेशन हम लोग कितने समय में एक बार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में एक बार, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन में एक बार, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 दिन में एक बार। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी व्यूअर जो भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस से कितना सीख रहे हैं, कितना ग्रेस्प कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग देखते हैं, 5 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से मैंने बनाया है, आज का सारा क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर्मेशन डेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन यानी कि उसका निर्माण किस डेट में हुआ था। कल मैंने आपको ईयर बता दिया था कि 2000 सन 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट का निर्माण हुआ था, आज मैं आपसे डेट पूछ रहा हूं कि किस डेट को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 जून। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ स्टेट का निर्माण हुआ था, इसके पहले वो ये किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, छत्तीसगढ़ बिकेम अ डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन, छत्तीसगढ़ जो है वो पहले मध्य प्रदेश का डिवीजन किस सन में हुआ था, 1963, 1962, 1862, या फिर 1955। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1862 में जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का डिवीजन बना था, और 2000 में ये उससे अलग हो गया और इसको एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। कब किस डेट को, मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को बता दिया, 1 अक्टूबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जब फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे छत्तीसगढ़ स्टेट में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस टाइम पे टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट थे। अभी छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था, सॉरी कल नहीं, कल तो CMR का वीडियो था, कल के एक दिन पहले यानी परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रैंक इन द कंट्री बाय एरिया, छत्तीसगढ़ का रैंक पूरे कंट्री में एरिया के हिसाब से कौन से पोजीशन पे आता है। ऑप्शन नंबर ए 5th, ऑप्शन नंबर बी 12th, ऑप्शन नंबर सी 10th, ऑप्शन नंबर डी 4th। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वें स्थान पे आता है एज पर एरिया पूरे कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोग के लिए है, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमेशा आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग रहता है। योर फेवरेट माइनिंग यूट्यूब चैनल, आपका सबसे पसंदीदा जिससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, एकदम सही ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक डायमंड,
मैंने फेमस जो यूट्यूब चैनल है उनका नाम इसमें रखा है, माइनिंग ज्ञान, माइनिंग सरदार रविशंकर, गुणवंत बेले या फिर माइनिंग टेक्निकल। आप इसके अलावा आपको अगर कोई चैनल पसंद है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इन पांचों में से है तो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, आने वाले माइनिंग सरदार एग्जाम में ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर।